फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। तो आप लोगों ने दो ट्यूटोरियल देख लिया होगा आई थिंक, फोटोशॉप में स्किन टेक्सचर क्या होता है और फोटोशॉप में स्किन टोन क्या होता है। इन दोनों पे हमने लास्ट दो ट्यूटोरियल अपलोड इसलिए किया था फ्रेंड्स कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि अगर यहाँ से मिक्सर ब्रश टूल को यूज़ करना है तो उससे पहले टेक्सचर को और टोन को जानना ज़रूरी था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्सचर और टोन क्या है। अगर ये ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं उससे पहले उन दोनों ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार आप ज़रूर देख लें, उससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, चीज़ें बहुत सारी समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आपको ये समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक दो चीज़ों को कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मिक्सर ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर समझाना ये चाहूँगा कि आप किसी भी इमेज को स्किन रिटचिंग करते हैं, यानी कि जैसे ये एक तस्वीर है, इसकी आप स्किन रिटचिंग करेंगे और इसके फेस को साफ करेंगे, यानी इसके फेस को स्मूथ बनाएंगे, इसके सरफेस को अच्छा बनाएंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बताया था कि इसमें बम्प्स होते हैं और पोर्स होते हैं। पोर्स और बम्प्स, ये दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक स्किन सरफेस बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्किन रिटचिंग। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ रहे हैं कि मैं सिंपल लैंग्वेज और बहुत ही आसान एग्जांपल्स इसलिए यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को फोटोशॉप सीखने में बहुत ही इजी लगे। ऐसा ना हो कि जब फोटोशॉप सीख रहे हैं तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी या ऐसी चीज़ों को मैं कन्फ्यूज़न में बना करके अगर यूज़ करूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा और फिर दिल नहीं लगेगा सीखने में। तो इससे बेहतर है कि आसान लैंग्वेज में सीखें हम लोग। तो स्किन टेक्सचर और स्किन टोन हम लोग तभी समझेंगे जब हम लोग स्किन बम्प्स, यानी ऊपर छोटे छोटे जो डॉट्स निकले हुए होते हैं और जो छोटे छोटे गड्ढे स्किन के अंदर होते हैं, उन दोनों को जब फेड करके मिलाते हैं तो स्किन के ऊपर एक स्मूथनेस बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस, उसी को कहते हैं स्किन रीटचिंग। तो अब हमें यह समझना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ स्किन पे काम करना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसके अलावा भी कुछ और वर्क होता है। जी, बहुत सारे वर्क होते हैं जब आप फोटो रीटचिंग करते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आपने किसी फोटो को बहुत अच्छा रीटचिंग कर भी दिया, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड पे आपने ध्यान नहीं दिया, बैकग्राउंड को अच्छा नहीं बनाया, तो फिर आपको परेशानी होगी, यानी कि फिर वो तस्वीर अच्छी नहीं लगी देखने में। आपने बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसको अच्छा नहीं बना पाया। तो यहाँ पर समझना यही ज़रूरी है कि जैसे ये एग्जांपल है, दो तस्वीर को मैंने यहाँ पे निकाला है आप लोगों के लिए। जैसे ये एक फ़ोटो है, इसके स्किन को हम लोग ठीक करेंगे और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को ठीक करेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि इसके बैकग्राउंड में अनवांटेड दाग धब्बे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को अगर आपने डिलीट नहीं किया, हटाया नहीं, एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं बनाया, तो आप इस तस्वीर को अगर अच्छे से रिटचिंग कर भी दिया तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हटाने के लिए इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, मिक्सर ब्रश टूल, इसको समझना ज़रूरी है। अब जब मिक्सर ब्रश टूल हमने सेलेक्ट कर लिया तो इसकी प्रॉपर्टी को सबसे पहले समझे। प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, उसके बाद आप समझिए, बहुत अच्छे से समझना है इसको। इसके प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है आपको वो ब्रश के प्रीसेट के बारे में होता है कि ब्रश आप कैसा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार, जैसे हमने ब्रश टूल पढ़ाया है उसमें भी। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप ब्रश के साइज़, हार्डनेस, किस तरह का ब्रश आप रखना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार देखा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद वाले जो प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको ब्रश ही मिलता है तो इस पर भी बहुत ज़्यादा, इसमें अलग अलग ब्रश मिलता है तो इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलता है फ्रेंड्स, समझिए, बहुत ही गहराई से समझना होगा आपको। तीन ऑप्शन ये है, एक है लोड ब्रश, एक है क्लीन ब्रश और लास्ट में एक ऑप्शन है लोड सॉलिड कलर्स ओनली। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, नॉर्मली आप अपने घर में एक ब्रश यूज़ करते हैं दीवार को पेंट करने के लिए। नॉर्मली आप अपने एकदम छोटे से एग्जांपल को समझे, किसी दीवार पे कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं उसको आप पेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लोड ब्रश को सिलेक्ट किया है तो लोड ब्रश का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो पेंट का एक बकेट है उसमें पेंट है और आप जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो हर बार पेंट में डाल कर उसी ब्रश को यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रश को हर बार लोड करते हैं, उसी ब्रश को हर बार पेंट करने के लिए अलग अलग ब्रश को यूज़ नहीं करते हैं, उसको कहते हैं लोड ब्रश। और नीचे है क्लीन ब्रश, यानी कि एक बार हमने यहाँ पे पेंट किया और फिर यहाँ पे अगर इसको पेंट करना है तो फिर उस ब्रश को मैं फेंक दूंगा, दूसरे ब्रश को यूज़ करूँगा,
फिर अगर मैं यहाँ पेंट करूँ करना चाह रहा हूँ तो फिर वही करेंगे हम लोग, उस ब्रश को फेंक देंगे, फिर तीसरे ब्रश को लाएंगे, उसको कहेंगे हम लोग क्लीन ब्रश। तो लोड ब्रश और क्लीन ब्रश का मतलब समझ में आ गया होगा, इन दोनों ऑप्शन का मतलब भी वही है, इसको बोलेंगे लोड ब्रश और इसको बोलेंगे हम लोग क्लीन ब्रश। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कलर आ जाता है, कलर का मतलब जो फोरग्राउंड कलर में आपका यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फोरग्राउंड कलर में जो यूज़ किया हुआ है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे आसानी से समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने लोड ब्रश को अनचेक कर दिया तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने इसको सिलेक्ट रखा है तो जो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिस बैकग्राउंड के कलर पर, उसी कलर को वो लोड करेगा और जहाँ पर आप पेंट करेंगे उसको वो पेंट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, इसको मैंने चेक रखा और यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर हट गया आसानी से। अगर मैं इसको भी हटाना चाह रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से मैं इसको भी हटा दिया। तो ऐसे करके एक एक करके हम लोग हटा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हर बार में मुझे क्या मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, हर बार में आपको क्लीन ब्रश मिल रहा है। और अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इससे फोरग्राउंड कलर में जो कलर आपने सेट कर लिया है, हर बार में आपके पेंट में वही कलर मिल करके आएगा और उसी से आप पेंट करेंगे इस पर। तो दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि लोड ब्रश, क्लीन ब्रश और लोड सॉलिड कलर्स क्या होता है। तो इन दोनों का ऑप्शन यहाँ पर है, जिसको आप चेक करेंगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है। सबसे ऊपर में है कस्टम, मतलब आप जानते हैं कि जो आप खुद से यहाँ पर सेट करते हैं अमाउंट को, परसेंटेज को, उसको कहते हैं कस्टम। और अगर फोटोशॉप का जो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया गया है अगर उसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फिल किए हुए ऑलरेडी मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ड्राई पे क्लिक किया तो यहाँ पर वेट कितना परसेंट होना चाहिए, ड्राई में अगर आप स्किन ड्राई रखना चाहते हैं, जैसे स्किन को रिटचिंग करते हैं तो ड्राई स्किन, मैंने टोन पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो ज़रूर देखिए तभी समझ में आएगा टोन क्या होता है, टेक्स्चर क्या होता है, कूल टोन क्या होता है, वार्म टोन क्या होता है। तो इन सभी को समझेंगे तभी आपको ड्राई यहाँ पे समझ में आएगा कि ड्राई क्या है। फ्रेंड्स, जब ड्राई स्किन रखते हैं तो उसमें पानी का अमाउंट, वेट का मतलब यहाँ पर आप सीधा सीधे समझिए पानी, सीधा सीधे आप समझिए कि पानी है। और लोड का मतलब आप ये समझिए कि जो आपके बकेट में पेंट है वो आप अपने ब्रश में कितना परसेंट लोड कर रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, समझिए आप, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो लोड हमने 50% रखा, वेट 0% रखा और फ्लो को 100% कर लिया। फ्लो का मतलब आप जब ब्रश ऐसे करके फेर रहे हैं तो कितना फ्लो होना चाहिए, क्या जितना ब्रश में पेंट लगा हुआ पूरे तरीके से पेंट हो जाना चाहिए या आप 50% पेंट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक बार में यहां से यहां तक पेंट करूं तो जितने ब्रश में पेंट हैं सभी के सभी यहां पेंट हो जाए, तो आप फ्लो 100% रखेंगे। और अगर आप 50% रख रहे हैं तो 50% होगा। तो इन चारों ऑप्शन का ये मतलब होता है। तो ड्राई हमने रखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल गया कि कितना परसेंट रखना चाहिए। अगर आपने ड्राई हार्ड लोड रखा, ड्राई लाइट लोड रखा, तो इससे क्या हुआ, जैसे ही ड्राई लाइट लोड हमने लिया तो इसके बाद इसके परसेंटेज में थोड़े से चेंजेस आ गए, यानी लोड जो हमारा बढ़ा हुआ था वो 5% पे आ गया, वेट 0% रहा। लेकिन अगर इसके बाद कोई और ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे मैं मॉइस्ट को यूज़ करता हूँ, मॉइस्चर समझते होंगे आप लोग, तो मॉइस्चर का मतलब वही होता है कि उसमें पानी भी हो, यानी कि उसका पानी का अमाउंट भी होना चाहिए, लोड भी होना चाहिए, मिक्स भी होना चाहिए और फ्लो भी होना चाहिए। जब सभी ऑप्शंस होते हैं मिल करके तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट। ओके, तो इसके बाद एक ऑप्शन है वेरी वेट, बहुत सारे ऑप्शन, सबको अलग अलग यूज़ करके आप देखें। मैं सिर्फ आपको अमाउंट बता रहा हूँ कि कस्टम और इसमें क्या फ़र्क है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं फोटोशॉप की तरफ से, लेकिन ऊपर में कस्टम आप अपने से सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी कस्टम शेप करने के चक्कर में रहेंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि फ्रेशर अगर आप हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कस्टम यूज़ करेंगे तो दिक्कत आएगी। आगे मैं बताऊंगा, और आने वाले बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होंगे जब मैं स्किन रिटचिंग करूंगा तो उन सभी में मैं डिस्कस करता रहूँगा कि कस्टम कैसे सेट करना चाहिए। तो अभी अगर नॉर्मली कस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्किन रिटचिंग करना है हमें, तो कस्टम रखेंगे अगर तो यहाँ पर वेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सपोज़ हमने 15% वेट रखा, लोड को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया कि नहीं, लोड मेरा 50% 60% कुछ होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ
मिक्स जो करना है हमें वो 50% करना है, फ्लो 100% रखना है। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बैकग्राउंड पे काम करना है, इसको डिलीट करना है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हटाना चाहते हैं आप बैकग्राउंड को, तो आप इस तरीके से देखिए इसे मिटा सकते हैं, ऐसे करके मिटा सकते हैं। ब्रश के साइज़ को आप बड़ा कर लें और इस तरीके से आप मिटा सकते हैं आसानी से, देख रहे हैं। ऐसे करके आप पेंट करिए, देखिए पूरी तरीके से ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही थी वो पूरी तरीके से हट गई आसानी से, देख रहे हैं। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में कोई भी दाग धब्बा हो तो आप इसको यूज़ करके हटा सकते हैं, वेट को और बढ़ा सकते हैं, लोड को और बढ़ा सकते हैं, मिक्स को और बढ़ा सकते हैं और बहुत ही आसानी से एक कूल बैकग्राउंड बना सकते हैं, तभी आपकी इमेज एडिटिंग अच्छी लगेगी। तो यहाँ तक समझ लेने के बाद, जब हमने इस बैकग्राउंड के दाग धब्बे को हटाने के लिए सीख लिया कि कैसे हटाते हैं, तो अब चलते हैं हम लोग स्किन को कैसे रिटचिंग करना चाहिए हमें। तो स्किन को रिटचिंग करना बेहतर है कि चलते हैं उस वाले इमेज पे, इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं इस इमेज पर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमें ऐसे ऐसे इमेजेस यूज़ करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी होती है क्योंकि इमेजेस की कॉपीराइट होती है, सभी इमेजेस को मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आने वाले ट्यूटोरियल्स में जब इमेजेस मैं शटर स्टॉक से या इमेजेस बाजार वगैरह से अगर खरीदूंगा तो हो सकता है कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी अलग अलग इमेजेस यूज़ करूं। तो ये मेरी मजबूरी है, आप मेरी मजबूरी को समझेंगे तो शायद समझ सकते हैं कि इसका क्या कॉपीराइट। मैं अपने किसी भी ट्यूटोरियल्स में नहीं चाहता हूं कि किसी और के इमेजेस को या किसी और के ट्यूटोरियल्स को मैं कहीं भी किसी तरीके से यूज़ करूं। ये जो भी चीज़ें होती है मेरे खुद की होती है, मैं जहां से मुझे यहां पे क्रिएटिव कॉमर्स में मिल जाते हैं चीज़ें उसी को मैं यूज़ करता हूं। तो अब इसके रिटचिंग को करते हैं, इसके लिए एक कॉपी इसको बना लेते हैं। यहां से ध्यान रखें, जब भी कोई काम करें आप तो एक कॉपी ज़रूर बना लें इसकी। फ्रेंड्स, इसमें दो ऑप्शन और है, एक सिंपल ऑल लेयर्स हैं, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें, नहीं तो फिर बाद में आप क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता है कि यहाँ पर कि ये वाला सिंपल ऑल लेयर्स का क्या मतलब बनता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इनेबल एयर ब्रश स्टाइल ब्रश, इसका क्या मतलब बनता है। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन होता है ये आपके किसी भी इमेज को जब आप एयर ब्रश यूज़ करते हैं इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके स्किन टोन को वो सेफ जोन में रखता है। एयर ब्रश की तरह काम करता है, यानी कि ऊपर ये काम करता है, एयर की तरह काम करता है, जो एक कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को। उसके बाद सिंपल ऑल लेयर्स का मतलब ये होता है कि जब आप लेयर पैनल में आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ से एक हमने लेयर लिया ऊपर, इस पर काम करते हैं और यूज़ करना चाहते हैं इस वाले लेयर को, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ऊपर में आने के बाद सिंपल ऑल लेयर्स को चेक रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कॉपी की जाएगी इस लेयर से लेकिन वर्क किया जाएगा इस वाले ब्लैंक लेयर में, उससे आपके ओरिजिनल जो फोटो है वो सेफ जोन में बचा हुआ रहेगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली अभी हम लोग समझ रहे हैं तो पॉइंट को समझना ज़रूरी है। अब ये वाला एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी आप लोग समझ लें, ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर साइज व्हेन ऑफ ब्रश प्रीसेट कंट्रोल प्रेशर। अपने ब्रश के जो प्रेशर को यूज़ करना चाहते हैं अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो अपने प्रेशर को बढ़ा करके यूज़ करें, अगर आप इसको अनचेक रखते हैं तो अपने ब्रश के प्रेशर को आप कम करके यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग इसको स्किन रिटचिंग करते हैं, तो अब इसकी सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसके स्किन को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेट को थोड़ा सा कस्टम रखते हैं और अपने हिसाब से सेट करते हैं। यहाँ पर मैं 3-4 इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं 3% रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे एक ना ही वार्म इफेक्ट बनाना है ना ही ज़्यादा कूल इफेक्ट बनाना है, इसलिए मैं वेट को कम रख रहा हूँ, 3% रख रहा हूँ। लोड को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, मैं 50% लोड रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोड नहीं रखूँगा, यानी अपने ब्रश में जो पेंट यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है मुझे। मिक्स करना है 50%, यानी पोर और बम्प्स, मिक्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि स्किन के अंदर यहाँ पर अगर मैंने 50% यूज़ किया है सपोज़ ऐसे, और उसके बाद हम अपने स्किन को जो मैं पेंट करूँगा यानी इसके सरफेस को जो बनाऊँगा, तो पोर और बम्स को कितना परसेंट मुझे मिक्स करना है, तो मैं 50% मिक्स करने वाला हूँ। फ्लो को यहाँ पर कम रखेंगे, फ्लो को कम रखने से क्या होगा, स्किन के स्मूथनेस को बचा कर रख सकते हैं। तो हमने फ्लो को 10% रखा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और उसके बाद इसे हम लोग पेंट करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे क्लीन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। क्लीन ब्रश यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि हर बार मुझे एक अलग अलग जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वैसा ही कलर मुझे मिल पाएगा। अब जैसे इसको पेंट करना है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अपने ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा किया, यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि जिस तरफ से ये
फ्लो हो रहा है स्किन का ये एरिया, अगर यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरफ जा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लो हो रहा है, तो आप अपने ब्रश को भी वैसे ही पेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया यहाँ से और उसके बाद ऐसे पेंट किया, क्लिक किया और ऐसे पेंट किया। इस तरीके से अगर आप पेंट करें तो आपका जो पेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैंने फ्लो को कम इसलिए रखा कि ये धीरे धीरे हम लोग काम करें, लेकिन अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एयर ब्रश को मैं अनचेक कर देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस पे काम किया हुआ है तो हमें आइडिया है। लेकिन आप लोग जब काम करें तो प्रोटेक्ट करके काम करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्किन रिटचिंग जब आप करें तो स्किन को बहुत ज़्यादा यूज़ ना कर लें, यानी फ्लो को बहुत ज़्यादा यूज़ ना कर लें। उससे क्या होगा, इमेज लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, और फिर जब आप देखेंगे तो वो एक मूर्ति की तरह हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ओरिजिनल वो एक तस्वीर है। तो आपको वैसा नहीं बनाना है, वो मिट्टी का एक पुतला नहीं बना देना है फ्रेंड्स, वैसे देखने में ख़राब लगेगा। तो इसीलिए आप फ्लो को कम रखें और धीरे धीरे पेंट करें। अब देखिए फ़र्क आपको इतने ही से समझ में आ जाएगा, इसे मैं बंद करके दिखाता हूँ, पहले और अब। ये देखिए पहले और अब। तो अगर आपने फ्लो को कम रखा और इस तरीके से काम करना शुरू किया तो इसकी खूबसूरती को आप, अब देखिए नाकों के ऊपर, यहाँ से मैं नाक के ऊपर से लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर से जो फ्लो हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पे राउंडेड फ्लो हो रहा है, तो आपको ब्रश भी राउंडेड ऐसे यूज़ करना है। तो ब्रश जब राउंडेड यूज़ करेंगे तभी इसकी क्वालिटी बन पाएगी। अब जब आप इसको पेंट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि इसको भी थोड़ा सा आप कर लें, नहीं तो ये ऑड लगेगा देखने में। अब इसको भी थोड़ा सा करें यूज़ ऐसे ऐसे, यस ऐसे करके। अब थोड़ा सा हमने यूज़ करके बता दिया है, तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कैसे करके इसे यूज़ करना है हमें। ये स्मूथ कर दिया ऐसे, इस यहाँ पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पर भी ज़रूरी है, ये वाला एरिया भी थोड़ा सा ऐसे। चलिए जितना समझना चाहिए था उतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं दिखाता हूँ कि सिर्फ मैंने चार पांच बार यहाँ पर यूज़ किया ब्रश को, चार पांच बार यहाँ और थोड़े से यहाँ पर यूज़ किया, इतना करने से कितना फ़र्क पड़ गया इमेज में। ये देखिए पहले तस्वीर ऐसी थी जहाँ पर एक एक बम्स और पोर्स नज़र आ रहे थे, जब मैंने इसको पेंट कर दिया तो ऐसा हो गया। तो किसी भी इमेज को इस तरीके से स्मूथ बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ स्किन पे वर्क किया है, आप इसके आईज़ पे वर्क करेंगे। मैंने लास्ट कई ट्यूटोरियल्स में बता दिया कि आईज़ को कैसे रिटचिंग करते हैं, आईब्रोज़ को कैसे हम लोग शार्पन करते हैं, इसको भी मैंने बता दिया, हेयर को शार्पन करने के लिए मैंने बताया, लिप्स के कलर को थोड़ा सा और शार्पन करने के लिए मैंने बताया। तो इन सभी को अलग अलग आप यूज़ करें, इसके लाइट और एक्सपोजर पे भी थोड़ा सा यूज़ करें, तो उसके बाद इसकी फाइनल रिटचिंग आप दे पाएंगे। इस ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये मिक्सर ब्रश को क्लियर किया कि मिक्सर ब्रश को कैसे यूज़ करना चाहिए किसी स्किन रिटचिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और लाइक शेयर तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।